हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रा आर्य एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 21 तारीख को मैंने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में पोस्ट डाल करके अवगत करा दिया था कि मैं खुद स्वयं अधीनस्थ बोर्ड जाकर के 22 तारीख को आपके लिए पता करूंगा कि जो पटवार का एग्ज़ाम है, उसके अलावा जो JEE का एग्ज़ाम जो कि निरस्त किया गया था, उनका एग्ज़ाम कब तक करवाया गया था। तो दोस्तों, कल किसी कारणवश में वीडियो नहीं बना पाया था। मैंने अधीनस्थ बोर्ड में भी वहाँ पर लाइव अपडेट देने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगे थे, उन्होंने वहाँ से साफ इनकार कर दिया था कि आप यहाँ से लाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कारण से मैं आपको कल बता नहीं पाया था। बार बार स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि आप वहाँ अधीनस्थ बोर्ड गए थे तो क्या कहा है पटवार की, उसके अलावा जो JEE एग्ज़ाम है इसकी भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वहाँ ये बता देता हूँ कि वहाँ पर कल धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उसके जिसमें कि जो JEE का एग्ज़ाम होता है, जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है, वो भी पेपर कैंसिल करवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके अलावा जो लाइब्रेरियन भर्ती है, उसको लेकर के वहाँ पर जो फर्जीवाड़ा लाइब्रेरियन भर्ती में किया था, उसको लेकर के कल धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वो जो भी अधिकारी इसमें लिप्त थे, उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी। इसी वजह से दोस्तों, यहाँ पर उपेंद्र यादव जी ने भी इसको लेकर के मांग की गई थी, जो अधीनस्थ बोर्ड में जो फर्जीवाड़ा किया था, इसी के चलते हुए सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव था, और दबाव के चलते हुए जो BL जाटावत जी, उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारियों को वहाँ पर तबादला कर दिया गया, उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया है। तो इसको लेकर के यहाँ पर बड़ी अपडेट थी। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड पटवार, उसके अलावा JEE एग्ज़ाम डेट थी, जो कि आपको पता है JEE का एग्ज़ाम था, वो तो इस वजह से निरस्त किया गया था क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा किया गया था और पेपर आउट हो चुका था। व्हाट्सएप पर पेपर पहले ही वायरल हो चुका था। इस कारण से इसको लेकर के किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी के चलते हुए ये पेपर आउट हुआ था। तो यहाँ पर पेपर आउट हुआ था तो इसको जब इसी वजह से यहाँ पर निरस्त किया गया था, लेकिन फिर भी जो अधिकारी थे BL जाटावत जी ने भी साफ साफ ये कहा था कि पेपर कोई आउट नहीं हुआ है, इसको लेकर के अफवाहें फैलाई जा रही। तो दोस्तों, उसी के दबाव के चलते हुए जब SOG की जांच बिठाई गई थी, तो फर्जीवाड़ा सामने आया और उसी के चलते हुए BL जाटावत जी ने अपना इस्तीफा दिया। और इस्तीफा क्या दिया दोस्तों, उनको तो एक तरह से बर्खास्त किया गया क्योंकि उन पर पूरी तरह से दबाव था कि इस्तीफा देने का, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो पटवार का एग्जाम था, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, उसके अलावा जो अभी चुनाव होने वाले हैं, तो आचार संहिता के चलते हुए पेपर को पेपर की डेट पोस्टपोन की गई, क्योंकि आपका पहले जो एग्जाम था 10-16, उसके अलावा 24 जनवरी को आपका एग्जाम करवाया गया था, लेकिन फिर इसको पेपर को पोस्टपोन कर दिया, मतलब पेपर की जो डेट थी उसको स्थगित कर दी गई। ठीक है, तो दोस्तों अब स्टूडेंटों के मन में जो सबसे बड़ा डाउट था वो यही था कि पटवार का, JEE का, इनकी नई एग्जाम डेट कब होगी। तो दोस्तों, हमने वहाँ पर अधिकारियों से बात की गई थी, हम किसी अधिकारी का नाम नहीं ले सकते दोस्तों यहाँ पर, लेकिन दोस्तों वहाँ पर कल जाकर के अधिकारियों से लगभग हम 2-3 घंटे अधीनस्थ बोर्ड ही थे। वहाँ पर अधिकारियों से मिलने के बाद दोस्तों, वहाँ से एक ही स्पष्ट रूप से यही बात कही गई है कि अभी पटवार की, उसके अलावा जो JEE की एग्जाम डेट का, उनके पास कुछ भी सूचना नहीं है कि पटवार का एग्जाम कब करवाया जाएगा, JEE का एग्जाम कब करवाया जाएगा, इसको लेकर के बिल्कुल भी वहाँ पर डेट को लेकर के कुछ भी वहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब डेट को लेकर के कुछ भी सूचना नहीं है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो डेट को लेकर के अभी तक वहाँ पर कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो डेट वाली बात थी, तो दोस्तों यहाँ पर जो फिर कुछ तरह से, मतलब वहाँ पर बाबू से बात करने के बाद दोस्तों, बाबू से उसके अलावा जो मतलब लास्ट में जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ है, वहाँ से यही पता चला है दोस्तों कि जो अधीनस्थ बोर्ड में जो अभी जो पोस्टें खाली है, उसके अलावा जो अध्यक्ष की पोस्ट है, उसके अलावा जो डिपार्टमेंट चेंज किए गए, बहुत सारे अधिकारियों को डिपार्टमेंट तबादला कर दिया गया है, तो वो वहाँ पर जो सीटें खाली है, तो वहाँ पर जो जब अध्यक्ष, जी हाँ दोस्तों, अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही पटवार डेट को लेकर के कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा, मतलब जब अध्यक्ष वहाँ पर होगा, नए अध्यक्ष की तलाश की जा रही है, और जल्दी से जल्दी हो सके तो फरवरी माह तक, आपके फरवरी माह के अंदर अंदर नए अध्यक्ष राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड को मिल जाएगा, उसके बाद ही आपकी एग्जाम डेट को लेकर के कुछ फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है क्योंकि पटवार एग्जाम कोई छोटा नहीं है, बिना अध्यक्ष से पेपर करवाना बिल्कुल भी, मतलब एक तरह से राजस्थान सेवा अधीनस्थ बोर्ड के हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब अध्यक्ष था तभी पेपर इतने आउट हुए थे, फर्जीवाड़ा हुआ था, अगर अध्यक्ष ही नहीं है तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर क्या, मतलब पेपर का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, अब आपका यही स्पष्ट है कि नए अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद फिर नए अध्यक्ष की कमिटी के द्वारा ही जो पटवार का एग्जाम है, उसकी एग्जाम डेट घोषित की जाएगी। और दोस्तों, मेरा खुद का विचार तो दोस्तों यह है कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोचिंग है, जो अभिज्ञान कोचिंग है, मिशन कोचिंग है, क्लियर विजन है, उसके अलावा जो भी हमारे उत्कर्ष क्लासेज है, इनमें पटवारी के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सोच सकते हैं
अगर आपका पेपर फरवरी मार्च तक होगा तो दोस्तों अगर ऐसा होता तो इन लोगों के पास पहले ही सूचना हो जाती, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ अधिकारियों से पूरी तरह से, सरकार से और अधिकारियों से पूरी तरह से कोचिंग वालों का कॉन्टेक्ट रहता है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो ये नई बैच प्रारंभ नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ऑफलाइन बैच अब बहुत सारी कोचिंगों के द्वारा चालू कर दिए, तो आप सोच सकते हैं मतलब कोई बैच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि पटवार का कोई एग्जाम छोटा मोटा तो ही नहीं। आपने देखा होगा राजस्थान की जीके, इंग्लिश, हिंदी, मतलब दुनिया भर का जो RS IAS के लेवल का जो सिलेबस रहता है वो पूरा पटवारी में तो 1 से 2 महीने के अंदर तो कोई सी भी कोचिंग चाहे कितने भी दिन रात पढ़ा ले 1 से 2 महीने के अंदर तो कैसे भी वो कोर्स खत्म नहीं करवा सकती है ऑफलाइन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर तो यही निष्कर्ष निकल रहा है आपका, आपका जो एग्ज़ाम है कम से कम 2-3 माह तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि कम से कम खींच के भी अगर कोई बैच स्टार्ट हुआ है तो खींच कर भी अगर कोचिंग करवाएंगे तो 2 महीने तो मान के ही चलिए आप, 2 महीने में तो आपकी कोचिंग होगी। तो दोस्तों यही निष्कर्ष था। अब देखते हैं फिर भी नए अध्यक्ष से चुनाव होने के बाद कब तक पटवार की एग्ज़ाम डेट जारी करवाई जाती है। फिर भी हम वहाँ पर वापस कहीं मतलब 15-20 दिन बाद एक बार वहाँ पर जा करके पता कर लेंगे अगर कुछ भी अपडेट आती है। तो दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। और JEE का एग्ज़ाम भी दोस्तों नए अधिकारी मिलने के बाद ही आपका JEE का, पटवार का एग्ज़ाम डेट इनकी मतलब डेट घोषित की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।